जब मैं बात किया था इससे पहले, बोला कि कॉमन जो शब्द होता है वो हमें यूज़ ही नहीं करनी चाहिए, बस पीपल हैं हम, इंडिया है क्योंकि सारे के सारे लोग हैं, तो कोई फ़र्क नहीं है। तो ये जो सॉन्ग आपने गाया है इस एल्बम में, तो वो सॉन्ग आप किसको डेडिकेट करना चाहेंगे? सबको, पूरे देश को, पूरे देश को डेडिकेट करना चाहेंगे। आप दो लाइन गा के सुना दें कि आप जन गण मन जो आपने गाया हुआ है इसमें, तो आप अपने वॉइस में गा के बताइए। जन गण मन, देखिए ये जन गण मन गाने तो मुझे खड़ा होके गाना पड़ेगा, तो प्लीज खड़ा हो, ठीक है? आप ही खड़ा हो जाएगा। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा जनगण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मेरा सवाल अभी आपसे कि वैसे तो भारत में जिन लोगों ने आज़ादी दिलवाने में सहयोग किया सभी का रोल बहुत ही अहम है, लेकिन एक ऐसे शख्स, एक ऐसा नाम जो आपके दिल के बेहद करीब है और आप जिनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर? देखिए मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग थे और रहेंगे हमेशा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि उन्होंने जो भी किया है अकेले अपने बलबूते पे किया है, और आई मीन ही इज़ ऑलवेज टेकन वन स्टेप एंड देन द होल नेशन फॉलोड। आई मीन उस ज़माने में कौन बोले, ऐसे इंसान थे कि जो बोल रहे थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उस नारे से पूरा देश एक साथ जुड़ गया। तो या नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो जब भी 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी आती है, तो क्या आप लोग अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं जब स्कूल के दौर में हम लोग परेड किया करते थे? सही बात है, यही तो बात है कि बचपन से हम लोग हमारे नेशनल एंथम सुनते आ रहे, रिस्पेक्ट से खड़े होते स्कूल में बचपन से, और स्कूल में खड़े होते गाते हैं कोरस में। तो तभी जब छोटा बच्चा था तो इतना मुझे मालूम नहीं था कि हर लिरिक्स का वर्ड क्या मतलब क्या है, व्हेन यू आर वेरी स्मॉल। लेकिन जब धीरे धीरे बड़े होते तो मुझे पता चलने लगा कि ये पूरा इंडिया के बारे में है। तो हाँ, मतलब दिस इज़ एम्बेडेड इन आर मेमोरी, मतलब सबकॉन्शियस में ये ऑलरेडी है, ये गाना हमारे खून में है ये गाना, क्योंकि देश का गाना है, मतलब हम सबका गाना है। तो बस कितना दिन लगा ये कंपोज करने में? म्यूजिक डायरेक्टर्स वो है, मैं डायरेक्टर हूँ। अभी मैं इंटरव्यू में सुन रहा था कि बहुत सारे पहले गाने आ चुके हैं और बहुत सारे अच्छे गाने आ चुके हैं जनगण मन के ऊपर, तो बहुत तैयारियां करनी पड़ी होगी, तो कितना टाइम लगा और कैसे आपने ये टोन सेलेक्ट किया फिर ये चीज़ सेलेक्ट? इसलिए हम लोग को काफ़ी टाइम लगा है, शायद एक या दो हफ्ते, दो तीन वर्जन्स भी हम लोग ने ट्राई किया। शरद सर ने हमें एक रफ वीडियो, तो जब ही वो रफ कट शरद सर ने हमको भेजा, तो उससे हमको आइडिया मिला कि क्या पेस होना चाहिए। वो एक बार सेट हो गया तो ओवरऑल प्रोडक्शन, वो हमारे जो स्किल्स हैं थोड़े बहुत, तो उस यूज़ करके बस बन गया गाना। कितना सारा वक्त लगा एक अंदाज़? वक्त ऐसे नहीं बता सकते क्योंकि दो हफ्ता भी बोल सकते हैं फ्रॉम द टाइम वी स्टार्टेड मेकिंग द फर्स्ट वर्जन, तो दो हफ्ते में शायद प्रोडक्शन एंड हमको भी, आई मीन वर्जन्स बनाने में हमको भी थोड़ा वक्त लगा क्योंकि टोटालिटी में सुनना था हमको, तो ऐसे नहीं कि एक वर्जन चालू किया और उसको ऐसे ही छोड़ के अगले वर्जन में गए, ऐसे भी नहीं। एक वर्जन लिया, उसको पूरा प्रोड्यूस करके ख़त्म किया, फिर उसको वीडियो के साथ देखा, रफ वीडियो के साथ, तो फिर धीरे धीरे मालूम पड़ा। सो इट वाज अ कंप्लीट प्रोसेस। अभी जो मैं वीडियो देख रहा था, तो उसमें जो ऑडियो फीमेल वर्जन वो वॉइस रेखा भारद्वाज जी का ही, क्यों आपने सेलेक्ट किया, कोई और फीमेल सिंगर? नहीं, एक्चुअली इसमें फीमेल सिंगर्स शिल्पा राव हैं और रेखा जी हैं। तो एक चीज़ ये है कि चारों सिंगर्स जो हैं इस नेशनल एंथम में, सबका वॉइस टेक्सचर अलग चाहिए था और सभी का एक
यूनिक आइडेंटिटी रहना चाहिए था. तो वो हिसाब से हमको लगा कि रेखा जी और शिल्पा राव, बेनी दयाल और सलीम मर्चेंट सबके सबके वॉइसिस के आइडेंटिटीज़ हैं, नॉट जस्ट द पर्सनैलिटीज़ बट इवन देयर वॉइसिस हैव द रियल आइडेंटिटी. सो वो हिसाब से इट जस्ट वर्कड आउट. देश के जितने भी यंगस्टर म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जी, बहुत सारे अभी लोग म्यूजिक इंडस्ट्री में आ रहे हैं जी, और कुछ जो मुंबई में हैं या फिर और भी जगहों से लोग ट्राई कर रहे हैं जी, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे इंडिपेंडेंटली? स्पेसिफिकली एज ए जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू डू बेस्ट, दैट्स ऑल. आई मीन वेदर इज द इंडिपेंडेंस डे और एनी अदर डे, खास करके म्यूजिक डायरेक्टर्स को मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कहूँगा जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू डू बेस्ट. या जस्ट स्टे इंडियन. स्टे इंडियन. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. पूछे ना. एक्चुअली मैं कुछ बोलता नहीं हूँ क्योंकि जब भी कोई इंटरव्यूज़ है मैं कुछ बताता नहीं हूँ कि कौन सा गाना आता है, लेकिन आने के बाद जब लोग पसंद करते हैं वापस इंटरव्यू के लिए आ जाते हैं, तो इसीलिए मैं कुछ बोलता नहीं हूँ क्योंकि आने दो गानों को आने दो. अभी तो सिर्फ रिलीज़ हुआ बैंगिस्तान और अभी हमारा पीपल्स एंथम का अभी दो तीन दिन में रिलीज़ हो जाएंगे. तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मुझे इस साल मेरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यही है, पीपल्स एंथम ही है जो कार्निवल मीडिया कर रहा है और इन लोगों की 380 स्क्रीन्स अभी इंडिया में इनॉग्रेट होने वाला है और August 15 को इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट इन लोगों ने किया, बहुत बड़ी बात है. सारे के सारे जो भी इस प्रोजेक्ट में काम किए हैं सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और बस बहुत खुश हूँ कि हम जो सिंगर्स हैं बचपन से, देखो हम बचपन से स्कूल में हम असेंबली में हम गाते हैं अपना इंडियन नेशनल एंथम और उसके बाद एक सिंगर बनने के बाद हम टीवी पे देखते हैं बहुत सारे सिंगर्स, मिले सुर मेरा तुम्हारा, ये सब हमने बचपन से देखे हैं. नहीं ना सर जी, वेट किए बोलने का ना. नो सारा पता नो, मैं बोल रहा हूँ लेकिन हम देखते आए हैं बचपन से. तो जब देश के बारे में हमें कुछ गाना हो तो नो बहुत गर्व की बात होती है. तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि हम इस प्रोजेक्ट के साथ हमने साथ दिया है और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ. बहुत एक्साइटेड हूँ कि सारे के सारे कार्निवल थिएटर्स में अभी ये लोग ये एंथम प्रमोट करने जा रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है. तो एक बार आपने भी मिले सुर मेरा तुम्हारा, वो सुर बने हमारा.